सर का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में, जिसमें आज हम पैदल यात्रा कर रहे हैं केदारनाथ बाबा की। यहाँ पार्किंग से सुबह 3 बजे का टाइम है, तो फिलहाल अभी बहुत अंधेरा हो रखा है, तो अभी मैं आपको लोगों को दिखा नहीं पाऊंगा। तो वापस आते हुए रास्ते में आपको दिखा सकता हूँ मैं, पर अभी हम यहाँ से जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं आपको और रास्ता दिखाता जाऊँगा। तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की, तू भोला पर्वत का मैं रानी मैला की। तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की, तेरा साथ ही चाहिए भोले मन की सेहत कोई मतलब। हमने नाश्ता कर लिया है, हमने खाया है बन मस्का चाय और ब्रेड पकौड़ा, वो सब बढ़िया था। ये हमारे जो पीछे दुकान है, मैंने आप लोगों को अंदर से दिखाई, बहुत सही है। तो अभी तक हमने नाश्ता वास्ता खाने का अपना शुरू कर चुके हैं, और यहाँ पर अंधेरा है काफ़ी जगह पर, तो इसलिए मैं काफ़ी जगह पर रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिखेगा नहीं, बस मेरी आवाज़ आएगी और डरावना लगेगा बहुत ज़्यादा। तो फाइनली हम गौरीकुंड आ चुके हैं, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर सारे लोग बात कर रहे हैं, और हमने भी थोड़ी थोड़ी सीटें ले ली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म पानी है और टेम्परेचर इस टाइम बहुत ठंडा हो रखा है। तो अब यहाँ से सीधा हम निकलने वाले हैं आगे को, तो आगे आप लोगों को दिखाता हूँ, और मैं कुछ फुटेज ले ली यहाँ पर, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मन मतलब नहीं तेरी खातर के कर जाऊं, भोले मन ने कुछ नहीं बेरा है दुनिया का मन बेरानी पर तो भोले मेरा है। आप लोग देख सकते हैं, गौरी कुंड के बाद हम सीधा आ चुके हैं गौरी माई मंदिर। तो यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत बड़ा मंदिर बना है, बहुत सुंदर है, और इसके आसपास भी बैठने का आप लोगों को देख सकते हैं बहुत सारी जगह, जैसे आप लोग आसपास देख सकते हैं, टेम्परेचर भी ठंडा है, और यहाँ पर सारे लोकेशन पर लिख रखा है, मंदिर के बारे में लिख रखा है, और यहाँ पर टूरिज्म जो जो पास में पड़ता है वो भी लिख रखा है सब कुछ। और गौरी माई मंदिर के अंदर फोटो वोटो लेना मना है, तो अंदर कोई फोटो नहीं दे सकते, जितना मैं आपको दिखा सकता था यहाँ का मैंने आप लोगों को दिखाया। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, केदारनाथ वाली वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, तो मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए हमारे चैनल को, और ये देखिए गाइस, तो ये पीछे स्टेयर्स है, हमें ये चढ़ के वापस ऊपर आना होता है यहाँ पर मंदिर के लिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे खच्चर खड़े हैं, और खच्चर से जाने वाले आपके बहुत सारे लोग हैं, तो आप जा सकते हो। उससे ज़्यादा दिन में ताकत नहीं हो रही है, थक गए हैं थोड़े, और जो चल के जा सकते हैं तो वो तो बहुत ही बढ़िया बात है, मतलब बहुत अच्छी बात है वो, पर अगर जो नहीं जा सकते उनके लिए खच्चर हैं यहाँ पर। चढ़ाई में हालत तो ख़राब हो रही है, पर यहाँ पर लाइटिंग का सिस्टम भी बहुत अच्छा कर रखा है, जो मुझे दिखाई देखिए, लाइटिंग का सिस्टम भी अच्छा है और खच्चर का सिस्टम भी बहुत अच्छा है, बहुत सारे मतलब हर जगह पर कहीं ना कहीं खच्चर स्टैंड है ही। और अभी हमारा थोड़ा सा है जंगल चट्टी है, हमारा 3.50 है यहाँ पर लिखा तो है, और श्री केदारनाथ है 15.50। जंगल चट्टी वहाँ लिखा है 0.3 किलोमीटर, तो देखते हैं कितना दूर है। आपको जैसा मेरे पीछे झरना दिख रहा है, अच्छा खासा ऐसा झरने मिलते रहेंगे, अगर आप पानी वानी लेना चाहते हो तो यहाँ से ले सकते हो, 7-17 पानी हो गया का। बट ऐसे में थोड़ा साइड से चलो, रोड वोड लगी यहाँ पर, उनको पकड़ के चलो, ज़्यादा सेफ्टी रहेगी अच्छी आप लोगों के लिए भी, और बाकी आपके साथ चलने वाले लोगों के लिए भी। लोग मेरे पीछे देख सकते हैं जंगल चट्टी यहाँ दिखा है 2.0, तो देखते हैं जंगल चट्टी कितना दूर है। और फिलहाल हम थक तो गए थोड़ा सा, बट तब भी यहाँ पर काफ़ी जगह पर लाइट है नहीं, वो भी थोड़ा इशू है, और काफ़ी जगह पर लाइट बहुत ही सही है, क्योंकि शॉप से वहाँ पर थोड़ी लाइट है, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर लाइट चलेगी, और मैं अगर थोड़ा सा आगे चलूँगा तो एकदम ब्राइट एंड लाइट अच्छी खासी लाइट आ जाती है, जैसे कि यहाँ बहुत लाइट है। फिर यहाँ कोई घड़ी थी मैं तने किस तरिया बताऊं, बहुत घड़ा है प्यार तेरे ते बार बार दोहराऊं, मेरा है तू वो मेरे। अभी जस्ट आगे है माइलस्टोन रखा है यहाँ पर जंगल चट्टी का 15 किलोमीटर, तो देखते हैं। जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ लिखा है केदारनाथ 13 किलोमीटर। हमने रात को सफ़र शुरू किया था, तो फिलहाल हमें थोड़ा अंधेरा, थोड़ी लाइट मिल रही है, 3 बजे के आसपास हमने शुरू किया था सफ़र अपना, और अभी भी हल्का हल्का अंधेरा है, ऊपर सूर्यदेव आ रहे हैं, उजाला ला रहे हैं, तो हम सब उन्हीं का वेट कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी आइए, और मैं आप लोगों को बहुत सारी यहाँ पर सीनरी दिखाऊँगा यार, बहुत सारी, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ खुद देखने के लिए, और आप लोगों को दिखाने के लिए भी।
जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर गौरीकुंड है, यहाँ पर 0.3 किलोमीटर, और भैरव टेम्पल है 0.5 किलोमीटर, यहाँ पर 2.5 किलोमीटर। तो चलते हैं यहाँ से, हम लोग भी आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारा ग्रुप निकल रहा है आगे, और रोशनी भी धीरे धीरे आने लगी है, तो मैं और ज़्यादा फुटेज ले पाऊँगा, क्योंकि हमने रात को शुरू करी थी हमारी यात्रा सुबह 3 बजे के आसपास। तो ठीक है, वो टेम्परेचर भी और इतना ठंडा तो हो नहीं है, तब भी बहुत बढ़िया है, और लाइट भी धीरे धीरे आ रही है, तो मैं काफ़ी हद तक क्लीन फुटेज ले पाऊँगा और ज़्यादा। जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, केदारनाथ है 12.50 किलोमीटर, और जंगल चट्टी है 0.50 किलोमीटर। तो अच्छा है, जंगल चट्टी 0.50 किलोमीटर, और यहाँ पर क्या नाम है, केदारनाथ है यहाँ पर 12.50 किलोमीटर। तो बढ़िया है, और यहाँ थोड़ा थोड़ा खच्चर और घोड़ों से थोड़ा बच के चढ़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर, और अब लाइट दिखने लगी है तो थोड़ी क्लियरिटी बढ़ गई हमारी। और पानी वानी पी के चलो यार, क्योंकि डिहाइड्रेट हो जाएगा, दिक्कत आएगी, थकान हो जाएगी और जल्दी, और जितना हो सकता है यहाँ पर जैसे सोच सके बहुत सारे चाय वाय पी के भी चलो, शरीर गर्म रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। और हम तो पी ली चाय भाई यार, हमने फिलहाल अभी स्टार्टिंग में चाय पी थी, चाय बन मस्का बहुत बढ़िया था यार, स्टॉप सही है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा उस पर जरूर जाना, और बन मस्का और ब्रेड पकौड़ा दोनों चीज़ें बढ़िया थी। मेरी जिंदगी है तेरी गेल में भोले, मन में कुछ नहीं हो। शॉप पे आ चुके हैं, जो अभी हमें बता रहा है केदारनाथ है 12 किलोमीटर, और भीमबली है 2 किलोमीटर, और रुद्रा फॉल है 20 किलोमीटर। तो यार बहुत ही सही है, और अब क्लियरिटी मिल गई है, फाइनली उजाला हो गया है, तो मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ सीनरीज बहुत सारी। तो रुको मैं मेन चीज़ दिखाता हूँ आपको, जो मुझे पसंद है यहाँ पर सबसे ज़्यादा। मैं रानी मेला की तेरी मेरी पार पड़ेगी, भोले लिखी पहला की तू भोला पर्वत का, मैं रानी मेला की तेरी मेरी पार पड़ेगी, भोले लिखी पहला की तेरा साथ ही चाहिए, भोले मन की सहत कोई मतलब नहीं, मेरे खातिर साथ बतेरा तेरा दुनिया ते मन मतलब नहीं, तेरी खातिर के कर जाओ, भोले मन में कुछ नहीं बेरा, दुनिया का मन बेरा नहीं, पर तू तो भोले मेरा है। वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अगर आप लोगों को इतना नहीं चढ़ना, लंबा नहीं चढ़ना, तो यहाँ पीछे ऐसे शॉर्टकट भी बना रखे लोगों ने जाने के लिए, तो आप उनसे भी जा सकते हैं अगर जाना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से तो उससे भी जाए थकान होगी, तो उससे अच्छा तो यही होता है जो नॉर्मल रूट चल रहा है वो चलो। पहाड़ों में मैंने एक चीज़ सीखी है कि पहाड़ों में कभी भी शॉर्टकट नाम की चीज़ शॉर्टकट नहीं होती, सिर्फ वर्ड होता है और शॉर्टकट कुछ नहीं होता। मेरी जिंदगी है तेरी गेड़ में भोले, मन में कुछ नहीं हो, जाऊं ते मैं घर छोड़ के भोले, देख ले फिर तू रोएगा, हट छोड़ दे मैं भोले अपना, ले कदे तने न सताऊंगी, किसे ते कोई मतलब नहीं, सब छोड़ के ले तेरी आऊंगी, परिवार ते बन जागा भोले, साथ निभा दे तू तेरा जो भी भा जागा, मन ने मत हाथ छुड़ावे, तू भोला पर्वत का, मैं रानी मेला की तेरी मेरी पार पड़ेगी, भोले लिखी पहला की, तू भोला पर्वत का, मैं रानी मेला की तेरी मेरी पार पड़ेगी, भोले लिखी पहला की। वाटरफॉल तक हम आ चुके हैं, जैसे आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, वाटरफॉल तक हम आ चुके हैं, और वाटरफॉल ये रहा वाटरफॉल, थोड़ी चढ़ाई है पर तब भी काफ़ी है यार, इतने चढ़ाई के बाद वाटरफॉल दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, और हमारी बोतल तो खाली हुई थी, और देखो खच्चर कितने सारे आ रहे हैं यहाँ पर। तो फिलहाल मेरी पानी की बोतल तो खाली हो गई थी, तो वहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे फॉल बन रखे हैं छोटे छोटे, जहाँ पर आप पानी भर सकते हो, बोतल बहुत साफ है, हमने वहीं से पानी भरा है, नेचर से ज़्यादा साफ पानी कहाँ का होगा, तो इसलिए वो पानी बढ़िया है, और थैंक यू भाई। तो वहीं का सारा पानी वानी वहीं से भर के हम निकल जाते हैं अपना आगे पानी वानी के लिए, तो बढ़िया यार, पानी भी साफ सुथरा है और अच्छा यार। तो
अब हम वाटरफॉल से आगे चल चुके हैं, देखते हैं अब आगे कहाँ रुकते हैं। जो जो दिखेगा जितने इतना मैं दिखा सकता हूँ दिखाऊंगा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ से पीछे देख सकते हैं, भीम बल्ली है 0.1 किलोमीटर और केदारनाथ है 11 किलोमीटर। फिलहाल तो जितना लिखा है मैं आप लोगों को उतना उतना बताता जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ बोर्ड सीख रहे हैं उतना आप लोगों को बताते जा रहा हूँ। और अगर आप लोगों को अभी फिर से कहता हूँ मैं, मेरी वीडियो जरा भी अच्छी लग रही है सब्सक्राइब करो, शेयर करो यार, शेयर करो मेरे चैनल को यार। मैं और जगह भी ऐसे घूम घूम के आप लोगों को दिखाता रहूँगा, तो मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो बनी रहिए। आगे हम ऊपर पहुँचते हैं फिर आपको दिखाते हैं। दूर तक चलते चलते हम भी थोड़ा थक गए हैं, तो ऐसे बैठने वाले बहुत जगह पर बना रखे हैं, बेंचेस भी बने अच्छे वाले और ऐसे थोड़े पत्थर के बन रखे हैं, तो बहुत सही बैठने बैठने के लिए थकान उतर जाती है थोड़ी। और बहुत सारे लोग लेकिन अभी तक फिलहाल क्राउड है नहीं, तो सही जगह मिल जाती है, अगर जब नहीं होता तो जगह नहीं मिलती है, अभी फिलहाल मिलती है तो अच्छी बात है। और हम भी थोड़ी देर के लिए बैठ गए हैं और यहाँ से अभी सारे खतरे खतरे रह गए हैं, जैसे आप पीछे देख सकते हैं, पीछे देख सकते हैं ये वाले स्टॉल से हमने खाना पीना करा है अपना। हमने खाई है मैगी और चाय ली, वो तो बढ़िया थी और थोड़ा थकान भी उतर गई हमारे बैठ के, सही लग रहा है थोड़ा। और यहाँ पर एक और बता रहा है कुछ डिस्टेंस मीटर, देखते हैं यहाँ पर कितना बता रहे। और ये हो गया सबसे बड़ी चीज़, मस्त लग रही थी मुझे देखने के लिए, मस्त यार। छोटे छोटे वाटरफॉल जो बना रखे ना, बहुत अच्छी बना रखे हैं और मुझे तो बढ़िया लगे। और इससे ना पानी वानी भरने के लिए भी लोगों के लिए बहुत चीज़ों के लिए तो ईजी हो गया है। और जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्राउड बहुत तगड़ा आ रहा है, पीछे में क्राउड भी आ रहा है और भाई आवाज़ भी आ रही तो अच्छी बात है, बस आवाज़ आ रही तो अच्छी ही बात है। बाकी हम चढ़ाई करते जाते हैं और जहाँ जहाँ जैसे जैसे जो जो मुझे पता चलता है कितना दूर कितना क्या है, मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा जितनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देख सकता हूँ। तो जैसे आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, भीम बल्ली है 5 किलोमीटर और बेस कैंप है 9 किलोमीटर दूर, बिचौली है 3.5 किलोमीटर और केदारनाथ है 10 किलोमीटर। वैसे लिखा था जी, हम गूगल से देखा तो गूगल से मुझे यही लगा, सेम में बताया इन लोगों ने, गूगल और सेम लोकेशन तो मुझे लग रहा है यार, क्योंकि गूगल जितना बता रहा है और यहाँ पर जितने लिखा हुआ है बाकी सब तो सही है। यहाँ पर एक बार लिखा हुआ है, स्टोन लिखा है भीम बल्ली 5 किलोमीटर, तो अच्छा है। और बाकी यहाँ पत्थर वत्थर गिरते जाते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे बोर्ड भी लगा रखे कि ध्यान रखें सब और देख के चले। और उजाला तो हो चुका है बहुत ज़्यादा, जैसा आप लोग पीछे देख सकते हैं हेलीकॉप्टर भी चल चुके हैं और फिलहाल अभी हेलीकॉप्टर बंद कर रखे हैं। और यहाँ पर नींबू पानी वाले अभी स्टॉल लग चुके हैं, अब सुबह हो गई है तो देखो नींबू पानी वाले भी स्टॉल लग चुके हैं और खच्चर भी हैं, घोड़े भी हैं, बग्गी भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे आप लोग जा सकते हो अगर थको ना तो। हम तो थक रहे हैं थोड़े थोड़े, बाकी व्यू एंजॉय करते चलो, जैसे मैं कर रहा हूँ व्यू एंजॉय जितना भी है व्यू एंजॉय करो, खाओ पियो रेस्ट करो, धीरे 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 बाबा का नाम लेते ही चलते चलो और सेफ्टी के साथ चलो सबसे ज़्यादा, और कुछ कुछ खाते रहो यार। और होए एक और चीज़ दिखाता हूँ, मुझे बहुत ही ज़बरदस्त एक और फॉल दिखा है, लोगों को बता रहा था ये रहा फॉल, फॉल बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पर है तो जगह, यहाँ से साइड पर जगह पानी भरने का भी नाना था, बहुत सारे स्टोन्स भी गिरे हुए हैं और यहाँ पर थोड़ा सा बस खच्चरों से बच के चलो, खच्चर घोड़े बहुत सारे हैं तो उनसे बच के चलो। और मैं लोगों को मिलाता हूँ हमारे एक और गाइड मेम्बर से, आओ भाई मज़ा आ रहा है थक के, पानी वानी मिल रहा है सब अच्छा खासा, खाने पीने के लिए हर जगह पानी वानी है और चढ़े जा रहे हैं हम बाबा का नाम लिए। और मैं दिखाता हूँ वेरी वेरी फैन, और फैन मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और ठंडा हो रहा है अभी बहुत हार्ड, कितना हार्ड, इतना हार्ड कि चढ़ पा रहे हो, बस बाबा का नाम, बाबा का नाम लिए चले जा रहे हैं। और यहाँ पर खाने पीने का इंतजाम बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही मीठी मैगी और प्राइस भी ऊपर नीचे के हिसाब से देखा जाए और ऊपर नीचे के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा है। और बहुत सही है आपको यू यार, सीरियसली यार देखो बहुत ही सही व्यू है, लिटरली देखो तो। और ये ना कैमरा ना इंसाफ नहीं कर पा रहा, और दिखाता हूँ एक और मेंबर हमारा, ये रहे
एक भाई हमारे साथ गया है ये। और भाई थकान हो रही है? भाई बिल्कुल हो रही है। बट चले जा रहे हैं हम, हमें दर्शन करने हैं, हमें चलते जाना और खाते पीते चलते जा रहे हैं और रेस्ट भी करते जा रहे हैं हम थोड़ा थोड़ा। तो जैसा आप लोगों को मैंने बताया था, हमारे साथ जो ग्रुप आया है मैंने आप लोगों को उनसे मिलाया, और अभी एक ग्रुप मेम्बर एक और रह गया हमारा फिलहाल, अभी वो भी थोड़ा आगे है। ग्रुप मेम्बर ये रहा हमारा एक और, पकड़ो इनको, ये जहाँ जा रहे हैं, और एक सॉरी और एक ये हमारा ग्रुप मेम्बर। तो मज़ा आ रहा है आपको? बहुत ज़्यादा। और ठंडा लग रहा है हल्का हल्का? काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर हम रेस्ट ले लेके चल रहे हैं, जिससे हमें थोड़ा खाने पीने का मिल जाए और रेस्ट भी मिल जाए थोड़ा। तो अभी हम आगे चलते हैं, फिर आप लोगों को और दिखाता हूँ, मिलाता हूँ और लोगों से भी। फिलहाल यही हमारे पास ग्रुप में चार लोग थे, हम मुझे मिलाकर पाँच। और यहाँ पर बहुत सारे स्टोन्स भी रखे हैं, तो अपनी फोटोज भी खिंचवा सकते हैं, जिससे बहुत सारे लोग जल सकते, तो उसके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है ये। और दूसरा यार, व्यू बहुत ही मस्त आ रहा है, सही बताऊँ तो व्यू बहुत ही सही है। सोचा नहीं था मैंने इतना अच्छा, और यहाँ पर शांति होगी। और सबसे बड़ी बात, यहाँ थोड़ा चिल्ला के बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने सारे खच्चर वाले जा रहे हैं। और यहाँ खच्चरों के खाने पीने के लिए भी लग रखा है फिलहाल, जो खा पी कर थक गए हैं और मेरे मुँह से लगी है, तो ये भी सही है यार। और सबके खाने का इंतज़ाम है यहाँ पर, पानी का इंतज़ाम भी यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं, जैसे पानी का इंतज़ाम भी है। और बहुत सारे श्रद्धालु आए जा रहे हैं, और बैठने का तो अच्छा है इंतज़ाम, और खाने पीने का भी बढ़िया है। और अभी तक तो हमें कहीं भी किसी भी चीज़ की तकलीफ़ ना है, और आगे भी ना है तो अच्छी बात है, क्योंकि बिना तकलीफ के सफ़र आराम से हो जाता है और पता भी चलती, थकान भी नहीं होती। जैसे फ़िलहाल तो हमें थकान हो नहीं रही, पर एक चीज़ देखो कितना दूर तक का दिखता है, मज़ेदार लगता है ये भी चीज़। और दूसरी, मैं जितने भी आ रही है लोकेशन कितना दूर है कितना पास है वो भी बता रहा हूँ, तो इस चीज़ के लिए मेरी थोड़ी मेहनत के लिए शेयर करो वीडियो को यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, तुम भी थोड़ी मेहनत कर लो मेरे लिए तो अच्छा लगेगा मुझे भी। और चलो यार आगे चलते हैं, फिर दिखाता हूँ आगे जाकर आप लोगों को और ज़्यादा। आप लोग देख सकते हैं रेंज अभी तक हमसे 50 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से बहुत सारे खच्चर आए जा रहे हैं। देखो ये मेरे पीछे ये सारे खच्चर आए जा रहे हैं, ढेर सारे। और आपको ना एक व्यू दिखाता हूँ, मुझे बहुत बढ़िया लगा, हो सके तो आपको भी बढ़िया लगेगा, क्योंकि यहाँ व्यू बहुत तगड़े हैं हर जगह। एक चीज़ पता है, यहाँ पर यहाँ व्यूज बहुत सारे हैं, यहाँ बहुत है, मतलब इधर मैं कैमरा इधर ही ला दूँ तो इधर है, ठीक है, अगर मैं इधर ही ला दूँ तो इधर है, अगर मैं इधर ही ला दूँ इधर भी, मतलब सारी जगह यार 360 एरिया में सारी जगह व्यू मिलेगा बहुत तगड़ा वाला। और यहाँ पर देखो घोड़ों को पानी पिलाया जा रहा है, इनके लिए भी अच्छा खासा रखा गया है, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी यार, कि मतलब अगर तुम उनसे पैसा कमा रहे हो तो उनको भी अच्छा खासा ख्याल रख रहे हो, तो ये मुझे चीज़ अच्छी लगी। क्योंकि यार कि एक टाइम पर ना बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया था, तो उनके ज़्यादा उतना ध्यान नहीं रखा गया था, पर अब ध्यान रखा जा रहा है तो ये भी थोड़ा अच्छा लगा। और प्रशासन का तो यार काम मुझे सही में अच्छा लगा, यहाँ बहुत सकते हैं, यहाँ पर वॉशरूम्स भी, अगर कोई आए लेडीज़ जेंट्स सबके लिए बहुत सही वॉशरूम बना रखे, मुझे ये भी सही लगा। और एक और हमें दिखे यहाँ पर दूरी बताने वाला, तो रामबाड़ा है 1 किलोमीटर, और है छोटा लीना चोली है यहाँ 2 किलोमीटर 50, और लीना चोली है 5 किलोमीटर पूरा, और छनी कैंप है 6 किलोमीटर, रुद्रपाड़ा है 8 किलोमीटर, और बेस कैंप है 8.50 किलोमीटर, और केदारनाथ है पूरा अभी भी 10 किलोमीटर, अभी भी काफ़ी दूर है यार, पर चलो चलते हैं हम। और मैं एक बार आपको फ़ोटो भी दिखा दूंगा, जिससे आप लोग आराम से रीड कर सकते हो या सेव कर सकते हो, जब यहाँ अगर आप प्लानिंग करते हो आने की। यहाँ पर आप लोगों को बता चलता हूँ कितनी दूर पे क्या क्या चीज़ें हैं, तो थोड़े से आपको आइडिया मिल जाएगा कि अगर जैसे आप यहाँ पर आना की सोच रहे हैं या कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये भी है ईजी थोड़ा, और हवाएं हल्की हल्की सांस भी फूल रही है। तो मैंने एक बैग अपना आगे दे रखा, क्योंकि मेरा बैग भारी हो गया था, तो मैंने एक बैग दे दिया, और एक बैग मैं अभी कैरी कर रहा हूँ, तो सही है। और दूसरा यहाँ पर आते आते तो हम बीमली महाराज पर भी आ चुके हैं, देखते मेरे विषय आप लोगों को दिखाता हूँ पास से थोड़ा, तो यहाँ भी पहुँच चुके हैं। बीमली महाराज के बगल में ही पुलिस चौकी भी है, भीमबल्ली चौकी, तो अगर किसी को कोई भी इशू होता है, अगर कोई बंदा मिस हो जाता है या कोई और इशू हो जाता है या फ़ोन नहीं होता किसी भी, या कोई भी इशू हो जाता है, तो यहाँ से सीधा थाना लगा है, तो हम यहाँ पर उनसे बात कर सकते हैं। हो गए यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑफिसर्स, तो फिलहाल तो मैंने देखा नहीं। और ऐसे चलते चलते यहाँ पर बहुत सारे शेल्टर जोन भी पड़ते हैं, तो
तो शर्ट जोन ये तब समझ आते हैं जब बर्फ़ पड़ती है, ओले पड़ते हैं, बारिश पड़ती है, तब इनकी वैल्यू पता चलती है। और यहाँ पर है बहुत सारे ढाबे, और ये भीमबल्ली का वाईफाई जोन, मैंने अभी कनेक्ट करके देखा नहीं क्योंकि मेरा आ रहा है नहीं आ रहा, मुझे पता नहीं, तो मैं आगे आपको दिखाता हूँ और क्या क्या। और मेरे पीछे आजू बाजू सारे ढाबे ढाबे, पहाड़ों पर धूप आ चुकी है और यहाँ सफाई भी हो रही है बड़ी अच्छी, भैया लगे पड़े हैं सफाई करने में मस्त। शुक्रिया भैया सफाई रखने के लिए, क्योंकि हम लोग अपने चलने और फिरने के लिए थोड़ा इजी गोइंग हो जा रहा है, क्योंकि खच्चर आ रहे हैं जा रहे हैं और लोग भी आ रहे हैं जा रहे हैं, दोनों चीज़ से गंदगी तो हो रही है, बस सफाई का बहुत अच्छा ध्यान रखा गया। जैसे आप लोगों को बताते हैं देखो, हर जगह पर खाने पीने की कोई कमी नहीं है। अगर आप सोच के आ रहे हो नीचे से सामान उठाना है, बैग भारी मत करो, फालतू का बैग भारी होगा, खाने पीने का सामान देना है, यहाँ आओ खाओ पियो, डस्टबिन है वहाँ फेंको, नेचर में मत फेंको, डस्टबिन में फेंको आराम से, अच्छे खासे डस्टबिन बने हैं, ये देखो अच्छे खासे यहाँ डस्टबिन बने हुए हैं, इनमें फेंको यार, फालतू गंदगी करके क्या मिलता है, इसलिए डस्टबिन में फेंको, अच्छा खासा सफाई बनाए रखो तो अच्छा लगेगा। और दूसरा नेचर को इन्जॉय करो यार, नेचर इन्जॉय करने आते हो, गंदा करने थोड़ी आते हो, तो नेचर इन्जॉय करो। और देखो हर जगह इतनी हरियाली है, अब हरियाली में अगर गंदगी की प्लास्टिक लगेगी अच्छी नहीं लगेगी ना, मुझे नहीं लगती, तो इसलिए हम गंदगी नहीं करेंगे। जैसे ये देखो छोटी छोटी बोतलें पड़ेगा, इतना नॉर्मल सेंस बनता है कि हमें फेंक देना चाहिए, पर रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखो घोड़े के लिए पानी वाला, ये मुझे अच्छा लगा, मतलब सही लगा, मतलब चीज़ें ध्यान रखे गए हैं। तो यार इंसान का इंसान, जानवर का भी ध्यान रखो, वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि असली इंसानियत वही होती है कि जो जानवर का भी ध्यान रखे तो वो इंसानियत होती है, वरना क्या है यार, हम में उनमें कई फ़र्क है, ठीक है, पहली बात तो ये आती। और दूसरी व्यू बहुत तगड़ा है यहाँ पर, हर जगह देखोगे, आ जाओ भाई साहब, तो यहाँ बहुत सारी जगह पर है, पीछे सारे खच्चर खच्चर आ जा रहे हैं, देखो लाइन लगा कर खच्चर आ जा रहे हैं, तो कहीं से भी आ जाते हैं फिलहाल, तो बस अपना एडजस्ट करके चलो, वो भी एडजस्ट करके चलेंगे, तो ऐसे थोड़ी ईजी गोइंग रहेगी दोनों के लिए, आने वालों के लिए भी जाने वालों के लिए भी, तो बढ़िया यार। रेन शेल्टर 200 किलोमीटर दूर है रेन शेल्टर, क्योंकि रेन शेल्टर तो है कह सकते हो रेन शेल्टर, बट उस टाइम बर्फ़ ओले बारिश और बर्फ़ हर चीज़ से प्रोटेक्ट करता है आपको। और यहाँ पर मैं कितना गोरा हो रहा हूँ, सही है, नेचर ने चमका दिया। और यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स लग सकते हैं, खाने पीने के ढाबे लग सकते हैं छोटे छोटे, खाओ यार, मैंने भी यहीं से खाया, बड़े सही हो रहे हैं, मैगी वैगी बढ़िया टेस्टी सी बनी है, मेरी मैगी मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि स्पाइसी थी, तो स्पाइसी बनाओ, जितना गर्म रहेगा शरीर उतने चढ़ाई में थकान नहीं होगी, और अब तो सांस फूलनी भी कम होगी शायद, सांस तो आ रही है ना मेरे को, सांस फूलनी कम होगी, ऐसे कैसे हो सकता है। तो बाकी ये सभी है, और ये देखो नेचर देख रहे हो, अभी रुको एक बार चीज़ दिखाता हूँ आपको थोड़ी दूर से, ठीक है, अभी मैं लॉक खोलता हूँ ना, ये मैंने पूरी सेल्फी स्टिक अपनी पूरे रूप पे, तो अब देखो, अब देख लो कितना दूर तक का, ये देखो पूरा 360 दिखा दिया मैंने, बहुत ही सही है, मतलब बहुत ही सही है, सही है, बहुत सही है, तब भी मुझे अच्छा लगा। और यहाँ देखो जाने के रास्ते, ये जिग जैग ऐसे बहुत सारे रास्ते पड़ रहे हैं, और ऐसे खच्चर आ जा रहे हैं, उनसे थोड़ा साइड हो जाओ, क्योंकि उन्हें जगह दे दो वो भाग के जाएंगे, आप आराम से चलोगे तो पहले उन्हें जगह दे दो, सबसे इजी वही रहता है। और यहाँ पर कुछ हैं ढाबे जो अभी फ़िलहाल बंद हो रखे हैं, और सही यार मेरा थोड़ा हाथ भी ठंडा हो गया, क्योंकि एक हाथ मेरा बाहर रिकॉर्डिंग करने निकले, तो उसलिए मेरा हाथ ठंडा हो गया हल्का, तो ग्लव्स लेकर आया हूँ, ग्लव्स अभी बैग में पड़े हैं, तो फिर से चलते हैं आगे, हमने रेस्ट कर लिया जितना हम कर सकते थे, और जहाँ रुकते हैं जैसे कोई इन्फो मिलती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँगा। और वीडियो आप देखते जाइए, सब्सक्राइब करती जाइए, लाइक करती जाइए, और कमेंट में बताइए अगली बार मैं कहाँ जाऊँ, अगर होगा मेरा हो सके जाना तो मैं बिल्कुल जाऊँगा। और देखो मेरे पीछे एक और ढाबा गया, मैंने कहा ना खाने पीने की कमी नहीं है, मतलब खाने पीने का बहुत सारा है, जैसे मेरे पीछे भी देख सकते हो एक और, वो भी खाने पीने का है। और यहाँ देखो ये रास्ते बहुत साफ है, अगर आप साफ़ रखना चाहोगे तो साफ है, नहीं रखना चाहोगे तो वो फिर आपकी बेवकूफ़ी है भाई, ध्यान नहीं रखोगे तो फिर एक्सपेक्ट करोगे कि भाई सफाई मिले, तो ऐसे तो हो नहीं सकता। तो वही है, यहाँ से सारा व्यू देखो, मैं फ़ोटो भी लूँगा, यहाँ से व्यूज भी बहुत आ रहे हैं अच्छे, जितने भी यहाँ से खच्चे अच्छे जाने वाले हैं सारे खच्चे जाने वाले हैं, यहाँ से हम जा रहे हैं वहाँ पर सीधा नीचे, जितना भी सामान वामान जितना भी लोगों का रखा है सब है, सब बढ़िया है, अच्छा लगा मुझे। और दूसरा यहाँ देखो फिर से बहुत खाने पीने का सामान है, और हम चलते हैं आगे को, और जहाँ रुकता हूँ अगर मुझे कोई साइन बोर्ड दिखता है फिर से कोई डिस्टेंस आया तो मैं आपको शेयर करता हूँ। और हम रात को चले थे इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया, और दिन में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि उजाला हो गया यार, सीरियसली सेंस वाली बात है कि आप लोगों को बताया था यहाँ बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, देखो
मेरे पीछे ही कितना बड़ा वाटरफॉल है यार। सीरियसली बहुत ही सही है। बाल बाल मेरे थोड़े ख़राब हो चुके हैं, इतना एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मुझे कैमरा भी संभालना है, सेल्फी स्टिक भी संभालनी है, अपना लगेज भी संभालना है। और यार ये कितना सही व्यू आ रहा है यार, मतलब बहुत ही सही है। मतलब लिटरली अगर आप केदारनाथ आ रहे हो ना, आधी थकान तो यहीं से उतर जाएगी, क्योंकि व्यू इतना तगड़ा है ना यहाँ, इतना तगड़ा मौज आ जाते हैं। सीधा बताऊँ मैं, ज़्यादा कम्फर्ट लैंग्वेज है मेरे लिए यही आता है कि मौज आ जाते हैं। और जितना आप चलोगे उतरोगे सब हजम हो जाएगा, एक तो खाना पीना, तो खाते पीते चलो और सबसे ज़्यादा पानी पीते चलो, क्योंकि गला सूखा पैर सूखा तो अच्छा है, गला सूखना ज़्यादा अच्छा नहीं है। पानी पीते चलो तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। और दूसरा एक और चीज़ दिखाता हूँ, एक और व्यू दिखाओ यहाँ पर, बहुत तगड़ा, मतलब मैं आज ज़्यादा व्यू वीडियो में मैं यही बोला कि एक व्यू दिखाता हूँ तगड़ा वाला, क्योंकि बहुत ही व्यूज़ है यार यहाँ पर, मतलब जिधर देखो उधर बहुत ही है। और इधर मेरे पीछे सारा खाली हो गया, जैसे मैं आप लोगों को बताया था खूबसूरत नज़ारे यहाँ हर जगह है यार, ये सीरियसली बहुत ही सुंदर है, लाइफ में तो बहुत ही सुंदर है। और एक बार चीज़ दिखाता हूँ, अभी मैं आगे से दिखाऊंगा, पीछे से देखना अलग मज़ा आएगा। और ये देखो ये बहुत सही था, मतलब लिटरली ये देख रहा हूँ पानी बहुत ही सही लग रहा है। और मैं क्या बताऊँ, सही बताऊँ थकान उतर गई, जितनी थकान हुई थी सब गायब। लोग कहते थे, मैंने वीडियोज में बहुत लोगों की देखा कि हाँ यार आओगे सफ़र शुरू करोगे थकान उतर जाएगी, चलोगे इतना नज़ारे देखोगे थकान उतर जाएगी। मैं कहता था ठीक है, कहते हैं यार वीडियो में लोग हर कोई कहता है, पर सही में आओगे देखोगे आँखों में ठंडक मिलेगी तो थकान उतर जाएगी, ये चीज़ तो है, मुझे खुद फ़र्क आया। बाकी अभी मैं रेस्ट ले रहा हूँ थोड़ा सा, जो अभी लास्ट हमने मैगी पॉइंट पर रेस्ट लिया वो लिया, जो हमने मैगी पॉइंट पर रेस्ट लिया भाई बहुत लोग यहाँ पर, तो वो रेस्ट लिया मैंने। उसके बाद ऐसी सीनरी मिलती जाती है, बढ़िया लोग मिलते जाते हैं। मैं राणी मैला की तेरी मेरी पार पड़ेगी, भोले लिखी पहला की तू भोला पर्वत का, मैं राणी मैला की तेरी मेरी पार पड़ेगी, भोले लिखी पहला की तेरा साथ ही चाहिए, बोले मन किसे तो कोई मतलब नहीं, मेरी खातिर साथ बतेरा तेरा दुनिया ते मन मतलब नहीं, तेरी खातिर के कर जाऊं, बोले मन ने कुछ नहीं बेरा है दुनिया का मन बेरानी पर तू तो। सुंदर सुंदर इतने प्यारे प्यारे नज़ारे दिखा रहा हूँ, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है चैनल को सब्सक्राइब करो, जो वीडियो देख रहे हैं सिर्फ ठीक है देखो एंजॉय करो मज़ेदार, अगर सब्सक्राइब कर दो ना थोड़ा सा अच्छा लगेगा मेरे को भी, क्योंकि इतनी मेहनत से यूँ चढ़ाई चढ़ के आ रहे हैं हम बाबा के दर्शन करने के लिए, आप लोग भी देख रहे हैं बाबा के दर्शन, अगर मैं हो सकता हूँ लोग कराऊँ तो अच्छी बात है, हो जाए तो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि यार ये आशीर्वाद मिले मुझे आप लोगों का कि आप लोग दर्शन कर लो घर बैठे बाबा आराम से। तो ये देखो ये व्यू सारा, ये सारा व्यू बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब लिटरली बहुत ज़बरदस्त है, मुझे अच्छा लगा। और दूसरा इतना चढ़ना है, और दूसरी बात, हाँ पहली बात जो मैं कह रहा था, दूसरी बात बात है, पहली बात ये कि जो देख रहे हैं वो पहले लोग तो भाई बहुत स्मार्ट लोग हैं, अच्छी बात है, अच्छी वीडियो चूज़ करी है, अच्छे बंदे की वीडियो चूज़ करी देखने के लिए, तो उस बंदे की वीडियो को देखते देखते चैनल को कर दो थोड़ा सा सब्सक्राइब लाइक और कमेंट में बताओ अगली बार आप कहाँ देखना चाहते हो मुझे जाते हुए। और दूसरी बात ये कि इतने बड़े नज़ारे इतने सारे नज़ारे देख रहे हो एंजॉय कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, तो कमेंट से लिखो कि आप लोगों को सबसे बड़े नज़ारे कौन से लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई एक नज़ारा नहीं है जो बता सको। और ये देखो पीछे खच्चर सवारी उतार के आ रही है वहाँ पे, बहुत बढ़िया नज़ारे हैं, बहुत सुंदर नज़ारे हैं। तो ऐसे ही आप लोगों को बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलते जाएंगे, उन लोगों के साथ हम मिलते जाएंगे और आप लोगों को वीडियो दिखाते जाएंगे। सीरियसली यार नेचर साफ़ सुथरा ना बहुत बढ़िया लगता है, तो साफ सुथरा रखो, सीधी बात जितना साफ रहोगे उतना अच्छा रहेगा। बाकी जय भोले, आगे मिलते हैं।
कोई मतलब नहीं, सब छोड़ के ले तेरी आऊंगी, परिवार ते बन जागा भोले, साथ निभा दे तू तेरा जो भी भा जागा, मन ने मत हाथ छुड़ावे तू भोला पर्वत का। पास ये फॉल लग रहा है ना उतना पास है नहीं, ये देखो मेरे पीछे जितना पास ये दिखता है उतना पास है नहीं, दूर से दिखता जाएगा पास है पास है पास है, पर ऐसा कुछ नहीं, पास वास कुछ नहीं, बहुत दूर है, चलना पड़ता है थोड़ा ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा ही चलना पड़ता है, तो दिखता है, मज़ा आता है, इन्जॉय करते हैं। और यहाँ एक ब्रिज भी बढ़ गया साथ में, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पीछे एक ब्रिज भी है, तो इसको क्रॉस करते हैं। अच्छा यहाँ ये ये दिख रहा है, तो इसके फ्लोर में यहाँ पर ब्रिज लगा रखा है, तो ये ना ब्रिज हम क्रॉस करते हैं। वहाँ लोगों ने हमने टेंट लगा रखे, दिख रहा मेरे को ये देखो दिख रहा हूँ, आप लोगों ने टेंट लगा रखे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं और रुक जा रहे हैं वीडियो देख के, क्योंकि उनको ये यही चाहते हैं कि हमारी वीडियो ख़राब हो, उन लोगों के लिए सीधे सीधे थैंक यू भाई, जो जो लोग रुक जा रहे हैं बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर। और खाने पीने का इंतज़ाम ये देख सकते हो बहुत सारा है, और आप दिखाता हूँ मैं चल के कहाँ से आ रहा हूँ, जब उस टाइम बोल रहा था ना कितना दूर है, देखो ये सारा दूर है, इतना दूर से चल के आ रहे हैं। यहाँ खच्चर और घोड़ों की खाना पीना चल रहा है, और यहाँ इंसानों का खाने पीने के लिए रखा हुआ है यहाँ पर सारा, तो सब कुछ यहाँ पर, जैसे आप कोट लेना चाहते हो, जैकेट लेना चाहते हो, यहाँ पर सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने का भी अच्छा खासा लगा रखा है, बहुत सारा ही सामान है, तो सब बड़े लोगों को बताया था यहाँ पर बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, तो देखो यार कितना स्ट्रांग है। तो मेरी बहन भी आ गई फाइनली, पापा के लिए फोटो खिंचाई थी, इतनी मुश्किल से बुलाया इसको यहाँ पर, तो देखो यार कितने गोरे आ रहे हैं, मैं तो गोरा आ रहा हूँ, देख रहे हो मैं इधर ये है और मैं गोरा आ रहा हूँ यार, देख रहे हो इतना सीरियसली यार कितना सही हो रहा है। ये देखो यार पूरा ट्री डिस्ट्रिक्ट घुमा के दिखाता हूँ लोगों को, ये मतलब कितना सही आ रहा है, कितना ज़्यादा सही आ रहा है। और एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं, जो अभी नोटिस करी जाए वहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी बन रखी हुई चुन लोगों के साथ, मस्त यार सेल्फी पॉइंट में मैगी पॉइंट, ब्रिज की एंडिंग में मैगी पॉइंट, तो यहाँ हर जगह मैगी पॉइंट है, पर हमें मैगी बहुत अच्छी लगी यहाँ पर, सीरियसली कहते हैं पहाड़ों की मैगी बढ़िया होती है, और सही बढ़िया होती है यार। एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको यहाँ पर, देखो यार मैगी 50, पराठा 50, चाय 20, कॉफ़ी 40, तो यार मेरे हिसाब से ना प्राइस बहुत ही सही है, क्योंकि यहाँ पर सामान ऊपर लाने में भी बहुत हैवी पड़ जाते हैं, सही बताऊँ मैं, क्योंकि बड़ी मेहनत पड़ जाती है, तो इतना प्राइस तो बनता है यार सीरियसली, और मुझे बहुत सही लगा। और हमने लिए नमकीन, बहन दिखाओ नमकीन कौन सी ली हमने, ये बहन अलग तरीके से बताएं, थोड़े अलग जगह से दिखा दिए, कोई दिक्कत नहीं, तो हमने क्यूट लिया हमने छोटे छोटे पैकेट 10-10 रुपये वाले, वो मेन वे भी मोस्टली ज़्यादातर पहाड़ी एरियाज में मिलते हैं, क्योंकि नॉर्मल एरियाज में इससे बड़े वाले मिलते हैं, क्योंकि ये 10 रुपये का है, दिखाइए 10 रुपये का। हमें एक स्टोन दिखा था, उस पर तो लिखा था केदारनाथ 9 किलोमीटर है, बाकी कितना है कि नहीं ये तो मुझे भी नहीं पता, तो बाकी ये देखो यार सारा व्यू, ये मैंने अभी नई स्टिक ली है, तो अनबॉक्सिंग करी थी उसकी वीडियो देख लेना, थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे, व्यूज आ जाएंगे उससे भी, तो ये है। और यहाँ पर ना ये चीज़ लगा रखी है डस्टबिन, सही है, क्योंकि छोटे छोटे प्लास्टिक के डब्बे लगाने से ना उनसे कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़े बड़े बड़े लगाओ, क्योंकि आने वाली पब्लिक बहुत ज़्यादा है, तो जितना लगाओगे उतना फ़ायदा रहेगा सीरियसली बात। और बहुत सारे लोग नीचे बस बैठ के फ़ोटो वोटो खिंचा रहे हैं, वीडियो वीडियो बना रहे हैं, अच्छी बात ही, और हम भी चलते हैं आगे को, हो गया हमारा रेस्ट टाइम ओवर, तो वहाँ लिखा था 9 किलोमीटर, और बाकी सच्चाई कितनी वो तो पता नहीं, गूगल भी अब साथ छोड़ रहा है, नेट नहीं आ रहा उसमें भी, चढ़ते जाएंगे चढ़ते जाएंगे, और हम चढ़ते जाएंगे, चलो और आगे बढ़ो, यहाँ होगी बहन की हालत ख़राब, हम तुम्हारे साथ हैं,
और एक हमारा वीर शायद आगे निकल गया या पीछे ज़्यादा रह गया, वीर हमारे ज़्यादा पीछे रह गया। और दो वीर हमारे जहाँ मैं बता रहा फोटो पॉइंट पे, वहाँ पर सब फोटो खिंचा रहे हैं। नहीं वो पत्थरों में गए। हाँ वो फोटो पॉइंट पे खड़े हैं, वो तो वहीं पे फोटो शोटो वीडियो शोटो सब चल रही है। हाँ चढ़े जा रहे हैं। हमें मिले हैं उत्तराखंड के एक भाई अरविंद। तो भैया मज़ा आ रहा है आपको? बहुत ज़्यादा। और टेम्परेचर ऊपर है कुछ, ठंडा गर्म कुछ ऐसा चल रहा है? माइनस में जा रहा है तो बढ़िया है। और ये भैया की सवारी है तो अब हम आगे चल, बहुत तेज चलती है। भैया का यूट्यूब चैनल भी है, नाम बताओ भैया पहले अपना यूट्यूब चैनल। केदार कृष्ण ब्लॉग के नाम से है। तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर। यही टी शर्ट होगी, यही कपड़ा, यही टी शर्ट है, यही कपड़ा है। और भैया यही भैया अच्छे दिल वाले भैया है यही, तो सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना भैया के चैनल को। मैं लिंक ढूंढ के आप लोगों को डाल दूंगा, तो सपोर्ट करना यार, सबको सपोर्ट करो तो बहुत सही आएगी। और एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ मैं, जो अभी मैंने रीड करी, सच्ची मज़ेदार है। ठीक है, धीरे धीरे रुक के चले सांस नहीं फूलेगी, तो धीरे धीरे रुक के चले सांस नहीं फूलेगी, आपकी सवारी चलती रहेगी। तो चलते रहिए, हम भी चल रहे हैं, सब चल रहे हैं। तो हेरे भाई, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और हम भी चल रहे हैं, केदार कृष्ण ब्लॉग है भाई के चैनल का नाम। और भाई ने बता दिया वही लाल टी शर्ट भाई ने पहनी है, तो बढ़िया है। हम भी थोड़ी चढ़ाई चढ़ रहे हैं, दिख रही अब चढ़ाई दिख रही होगी। अगर मैं ऐसे कर दूँ ना ऐसा लगेगा चढ़ाई नहीं है, अब ऐसे दिखाऊंगा चढ़ाई है तो तब दिखेगा चढ़ाई में चढ़ाई चढ़ रहा होगा, अगर आज नहीं दिखेगा। और ये देखो मस्त है यार, व्यू बहुत ही तगड़ा है यहाँ पर। और धीरे धीरे चले जा रहे हैं हम, जैसे वहाँ लिखा था धीरे धीरे चले जाओ सांस नहीं फूले, नहीं फूल रही है, फूल रही है, चले जा रहे हैं। और ये देखो रोई घड़ी थी मैं तने किस तरिया बताऊं, बहुत गड़ा है प्यार तेरे ते बार बार दोहराऊं, मेरा है तू भोले। चुके हैं अब, आ चुके हम केदारनाथ है हमारा 8.5 किलोमीटर और बेस कैंप है 6.5 किलोमीटर और बिग निंचोली पड़ता है हमें 3 किलोमीटर, स्मॉल निंचोली पड़ता है हमें 3 किलोमीटर, तो सही है यार, ज़्यादा दूर भी नहीं है, पहुँच ही जाएंगे। 8.5 किलोमीटर दूर तो है पर इतना चलती है और चल देंगे यार। तो बाकी आपको दिखाया तो ऐसे है ही, बाकी इतना क्लियर दिखेगा। और मैं आपको एक फ़ोटो भी दिखा दूँगा, हर चीज़ की फ़ोटो ले रहा हूँ जिससे अगर आपको दिखता नहीं है और अगर आपको बाद में अगर सेव करके आगे देखने के लिए रखना है, जैसे आप यहाँ पर कोई आने का सोचते हैं तो आपको इजी पड़ेगा वो चीज़ भी, तो मैं आपके लिए फोटो ले देता हूँ। हमें एक और डिस्टेंस मीटर मिला है जिसमें बता रहा है केदारनाथ निंचोली है 2.70 किलोमीटर और केदारनाथ है 8.50 किलोमीटर। तो चल रहे हैं हम अभी आगे, क्योंकि मैंने उससे फ़ोटो तो ले ली जितनी आ पाई, बट मैंने तो ले ली। और नेटवर्क का इशू बहुत है यहाँ पर, वोडाफोन के नेटवर्क बिल्कुल नहीं है। और फिर से वो लिखा है धीरे धीरे चलिए सांस ना भूले, तो नेटवर्क है नहीं यहाँ पर। अगर जो भी बंदा आ रहा है जियो की सिम है, ग्रेट, बहुत बढ़िया बात है, जियो की सिम है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ कोई और सिम में यहाँ पर नेटवर्क है नहीं, पोस्टपेड प्रीपेड सब धरे रह जाते हैं, चल जाता है रिलायंस जियो, तो बस वही है। और बाकी यहाँ से व्यू तो बहुत ही सही आ रहा है, और ऐसे छोटी छोटी शॉप भी लगी हुई है यहाँ पर, लेमनेट्स की और सब चीज़ों की, खाने पीने की यहाँ पर शॉप्स बहुत हैं। और नीचे के बीच थोड़ा पहले सांस उठती है, थोड़ा रुकते हैं, फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेते रहते हैं, हम चल देते हैं आगे, क्योंकि यहाँ खच्चर भी है और ऊपर हमें चढ़ाई जितनी जल्दी उजाले उजाले में हम कर लें उतना बढ़िया है, थोड़ी सांस तो खुलती है मेरी, बट ठीक है, अगर ऐसे चलना चलते जाएंगे और बाबा के दर्शन करके आएंगे। तो मैं अभी आगे पहुँचता हूँ, देखते हैं जहाँ पर रुकना मुझे, फिर आपको दिखाता हूँ जहाँ जहाँ मैं रुकता जाता हूँ, जो जगह मुझे डिस्टेंस मीटर वाले मिलते हैं तो मैं आपको बताता जाता हूँ।
रोई खड़ी थी मैं, तने किस तरिया बताऊं, बहुत गड़ा है प्यार तेरे ते बार बार दोहराऊं, मेरा है तू भोले मैं जहर भी पीलूंगी, तेरी खातर भोले मैं सब हंस हंस सह लूंगी। मेरी जिंदगी है तेरी गेड़ में भोले। मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर बहुत सारे शॉर्टकट होते हैं, ये मेरे पीछे को इधर की साइड में एक और शॉर्टकट है। शॉर्टकट तो वैसे क्या शॉर्टकट होता है, लोग तब भी ले रहे हैं, नॉर्मल जो ये रूट है लंबा वाला जो वो लो, वो सबसे बढ़िया रखता है। फालतू की मेहनत पड़ती है वो वाली ना, फालतू सही है, फालतू की मेहनत हो जाती है, उसमें मेहनत भी लगती है चढ़ाई भी चढ़ती है, तो इससे अच्छा है शॉर्टकट ऑर्डर के चक्कर में ना पड़ो, आराम से जो रास्ता चलता जा रहा है उसी पे चलते जाओ और वहीं से पहुँचते जाओ। नीचे भी पड़ा था, मैं नीचे भी यही कहा था, ऊपर पड़ा है मैंने ऊपर भी यही कहा, क्योंकि यार यही सही रहता है, क्योंकि फालतू शॉर्टकट के चक्कर में ना कट जाता है और कुछ नहीं होता, शॉर्टकट कटता है अपना और कुछ नहीं है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना पहले बताऊँ मैं आप लोगों को। बाकी वेदर देखो, धूप खिली हुई है अच्छे खासे पहाड़ों पे और मौसम भी बढ़िया चल रहा है और ऐसे ही चलता रहे बस बाबा की कृपा से, और 10 मिनट बहुत है ये मैं सही लगा और हैं तो यूज़ भी करूँ, ठीक है ऐसे नेचर गंदा वंदा मत करो, सफाई मचा कर रखो और बढ़िया रहेगा। और ये भाई लोग मिले हमें, और भाई लोग कहाँ से हैं आप लोग? कलकत्ता। कलकत्ता से कब आए हैं? हम 10 तारीख आए। 10 तारीख को आए हैं और सब बढ़िया मज़ेदार इंजॉय हो रहा है, सब कुछ खाना पीना सब कुछ चल रहा है, सब बढ़िया। चलो भाई लोग आपको पहले नाम बता दो, सब्सक्राइब कर देना भैया, एक बार भाई का नाम बता दो पहले सब लोग। रोनी भाई, रोनी भाई और भाई रोनी भाई, अरे वाह हम तो टूरिस्ट रोनी भाई मिले हैं, तो बढ़िया यार चलो आप लोग मिलते हैं, तो भाई लोग भी मिले हमें काफ़ी, कोलकाता से भाई लोग आए हैं, बहुत दूर दूर से भाई लोग आ रहे हैं बहुत लोग यार, तो बढ़िया यार ऐसे आते जाओ मिलते जाओ, सारे बाबा के वक्त ऐसे मिलते जाएंगे सभी खुशी खुशी। खड़ी थी मैं तने किस तरिया बताऊं, बहुत गड़ा है प्यार तेरे ते बार बार दोहराऊं, मेरा है तू भोले मैं जहर भी पी लूं। मैं बैठ गया यहां पर इतनी सारी सीढ़ी चढ़ने के बाद, गाले में बैठा हूं, थक गया थोड़ा, हल्की हल्की सांसें बोल रही क्योंकि स्टेयर्स आ गई तो उसमें थकान हो जाती है, तो पीछे की साइड में शॉर्टकट रास्ता है वो मैं आपको दिखाता हूं, बट शॉर्टकट वही वाला शॉर्टकट शॉर्टकट नहीं होता, जितना भी होता है वही होता है, बट सही है यार। और मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर घोड़े खच्चर बकरी सब जा रही है, उन सब का आपको प्राइस बताऊंगा, और हम भी चलते हैं आगे। ऐसे अटक अटक के जाना पड़ रहा है, धीरे धीरे हम भी चले जा रहे हैं, सब चले जा रहे हैं और चले जा रहे हैं, बढ़िया यार, क्योंकि ये रजिस्टर से आता था, ये भैया लोग सफाई करके रख रहे हैं हम लोगों के लिए सबसे अच्छी बात, सीरियसली भैया थैंक यू, इतना ज़्यादा है ना, अच्छा अच्छा मैं जो दिखाया था वो देखो, ये दिखाया था कितना सही है, रुको 1 10 20 अब देखिए हमें जाकर धूप, ये क्या सीनरी है यार मस्त, और फाइनली धूप में दिख गई है, और बहन कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा टाइट हो चुके हैं हम लोग क्योंकि सीढ़ियाँ आ गई थोड़ी, तो उसमें थोड़ी थकावट हो गई हमें, पानी पानी बहुत सारा पानी यहाँ पर, बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं और स्लीपरी भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एयरटेल और वोडाफोन के नेटवर्क नहीं आते पूरे जी, एयरटेल और वोडाफोन के नेटवर्क नहीं आते ऐसा नहीं है, थोड़े थोड़े कहीं कहीं मिल जाएंगे काफ़ी रेंज पे जाकर आप लोगों को, तो सही है हमें थोड़ा मिल गया था, हम लोगों ने भी घर पे फ़ोन कर लिया तो हम लोगों के लिए ईजी रहा थोड़ी चीज़, बाकी इतना श्योर मत होना कि हाँ आया हूँ पूरी ट्रैकिंग में नंबर मिलेगा, नहीं अगर पूरी ट्रैकिंग में नंबर चाहिए वीडियो कॉलिंग करनी है तब आप लोग जियो का नंबर ले लेना वो ज़्यादा इजी रहेगा, और तो हंसी भी निकल रही है, हंसी भी जम गई, चलो आगे देखते हैं आगे जैसा होता है आप लोगों को दिखाता चलता हूँ साथ में, और बाल मेरे हो चुके हैं बहुत ज़्यादा ख़राब,
ऐसे यहाँ पे शॉर्टकट बहुत लोग ले रहे हैं, तो शॉर्टकट ये है देख लो। आप बहन से पूछ के बताऊँगा आपको कि शॉर्टकट सही में फ़ायदेमंद है। नहीं यार, कोई फ़ायदा नहीं शॉर्टकट लेने का। वो लोग आ रहे हैं वो भी वहीं यहाँ ऊपर आ गए लंबे रास्ते से, जिसमें कि स्टेयर्स भी है, वो तो दिख भी नहीं रहा। क्योंकि स्टेयर्स में आप चल दोगे थोड़ा, आपको ये पता है थोड़ा कि हाँ जो बनाया हुआ रास्ता है उससे चलने में ज़्यादा ईजी रहता है, और जो नेचुरल बनाया हुआ रास्ता उससे थोड़ा फर्क हो जाता है। तो यार शॉर्टकट मत लो, अवॉइड करो जितना हो सकता है, क्योंकि उतना फ़ायदेमंद है नहीं शॉर्टकट। शॉर्टकट के नाम मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, शॉर्टकट के नाम से सीधा कट्टा है और कुछ नहीं है। शॉर्टकट के नाम पे शॉर्टकट नहीं है। और यहाँ देख सकते हो पीछे पीछे भी थोड़ा थोड़ा और रखा है भाई, इतना चल जाएगा। जाऊं तने घर छोड़ के भूले, देख ले फिर तू रोएगा। हट छोड़ दे मैं भूले अपना, ले कदे तने नसताऊंगी। किसे ते कोई मतलब नहीं, सब छोड़ के ले तेरी आऊंगी। परिवार ते बन जागा भूले, साथ निभा दे तू तेरा जो भी भा जागा। मन ने मत हाथ छुड़ावे तू। हमने खाई है मैगी, चाय और आलू गोभी पराठा, क्योंकि बस वही था उनके पास, तो वही खाया। ये जो पीछे हमारा स्टॉल दिख रहा है नीले छतरी में, तो उन पर वही था, तो हमने वही खाया। हमारा हुआ 400-300 के आसपास एक्सट्रॉक्स बिल हुआ है हमारा। सही है यार, जय बाबा की, और बढ़िया हुआ ये भी बिल, बट सही है यार। तो चलो चलते हैं आगे, देखते हैं कहाँ रुकते हैं और क्या खाने पीने के लिए रुकते हैं। और बाकी ये देख लो सारे खच्चर यहीं से आ रहे हैं, खच्चर घोड़े जितने भी सारे यहीं से आए जा रहे हैं। और अब धूप आ गई है, तो शेड्स निकालने में थोड़ा ज़्यादा ईजी रहेगा जिंदगी के लिए, तो अच्छा है। और बाकी सब चढ़ाई करें, चल फिर चढ़ें। और मैं थोड़ा पीछे का दिखा सकता हूँ, इससे मैं लंबा कर सकता हूँ स्टिक को, तो इतना दिख जाएगा आराम से। अब एक और डिटेल पॉइंट आ गया, तब यहाँ बताता हूँ आपको क्या क्या डिटेल्स हैं, कितना चल रहा हमने। और एक कुंड है हमारे यहाँ से 9 किलोमीटर, जंगल शक्ति है 5.5 किलोमीटर, और भी बल्ली है यहाँ से 3 किलोमीटर, देख सकते हो जैसे आप लोग मेरे पीछे। तो सही है, ज़्यादा दूर नहीं है, निकलते हैं यहाँ से भी। और आगे का व्यू बहुत ही तगड़ा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मुझे बहुत मज़ा लगा व्यू आगे का। तो चलिए, रोई खड़ी थी मैं तने किस तरिया बताऊं, बहुत गड़ा है प्यार तेरे ते बार बार दोहराऊं, मेरा है तू भोले मैं जहर भी पीलूं। तो फिर से हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन वाला मिल गया, तो यहाँ है केदारनाथ, हमें पड़ेगा अभी 6 किलोमीटर, बेस कैंप है हमारा 4.5 किलोमीटर, और सन्नी कैंप पड़ेगा हमें 2 किलोमीटर, और भी चिलोनी बहुत पड़ेगा हमें 1 किलोमीटर। तो ठीक है यार, काफ़ी दूर है। बाकी देखिए आंटी लोग भी आ रखे हैं, सब चढ़ रहे हैं भाई, हाँ आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, आइए आप लोग भी और सफ़र करिए, यात्रा करिए और एंजॉय करिए, और चढ़ाई पे पहुँच के बाबा का आशीर्वाद लीजिए सब साथ में। और बहुत ही सही है यार, अब धूप निकल गई तो थोड़ा हिम्मत आ गई, अदरवाइज़ तो थकान हो गई थी थोड़ी ज़्यादा, बट सही है जितना भी हम चल रहे हैं। मेरी जिंदगी है तेरी गेल में भोले, मन में कुछ नहीं होएगा। जाऊं तने घर छोड़ के भोले, देख ले फिर तू रोएगा। हट छोड़ दे मैं भोले अपना, ले कदे तने न सताऊंगी। किसे ते कोई मतलब नहीं, सब छोड़ के ले तेरी आऊंगी। परिवार ते बन जागा भोले। तो अब हमें यहाँ मिला है, बहुत ही बढ़िया मस्त नींबू पानी भैया बनाई भैया ने, ये देख लो भैया ने बनाया, याद कर लो इनसे बनवाना, बहुत ही सही बनाया भैया ने, सही में मज़ेदार। इतनी चढ़ाई के बाद नींबू पानी सही थकान करता है, और मैं दिखा दिया भैया ने बहुत बढ़िया बनाया। वॉशरूम भी हैं लेडीज़ और जेंट्स के बहुत सारे, तो ये मेरे पीछे जितने बॉक्सेस लगे दिख रहे हैं आपको, ये सारे जितने भी वॉशरूम्स हैं सब लेडीज़ और जेंट्स के, बहुत अच्छे साफ है, और तब भी उतना ज़्यादा साफ जैसे आप सोचते हो कि बहुत ही ज़्यादा वाव वाले साफ होंगे नहीं है, बट क्लीन काफ़ी है, एज ए यात्रा के लिए भी बहुत बढ़िया है। और सारे यहाँ हेलीकॉप्टर जा रहे हैं जिनकी बुकिंग हो गई थी,
जा पा रहे हैं और फिलहाल बुकिंग इन्होंने बंद कर रखी है। आपके पास तीन चार तरीके होते हैं जाने के, या फिर बग्गी से जा सकते हो, या पिट्ठू कर लो, या घोड़े से वो खच्चर से जा सकते हो। तो यही आप में तीन चार ऑप्शन हैं। ये बग्गी है तो ये बग्गी से जा सकते हो आप, पीछे आ रहे हैं हमारे पिट्ठू, इन सब से जा सकते हो भाई, जिनसे जाना चाहते हो जा सकते हो। सबके प्राइस अलग अलग हैं, ऊपर नीचे वो फ्लैक्चुलेट होते रहते हो। बाकी ये रास्ता कह सकते हो थोड़ा डिफिकल्ट है, जैसे नीचे वाला था ये चढ़ाई पड़ेगी थोड़ी सी, ये रास्ता हल्का सा डिफिकल्ट है क्योंकि सात से वहाँ से फुल गेट अच्छी खासी अपनी तो पूरी सब लगे पड़े, मैंने पूरा जोर लगा रहे हैं। और ऐसी चढ़ाई है नीचे तक, तो चढ़ाई तो बहुत सारी है और अभी आगे से भी था तो कितनी सारी है। और अपने को ये चढ़ना तेरी मेरी पार पड़ेगी, भोले लिखी पहला की तू भोला पर्वत का मेरा ऊंचाई सा बोला था ना, बहुत ऊंचा है, हवा उल जाएगी पर मजा आ जाएगा। बट सही है, कुछ भी लोग अभी भी जोर से शॉर्टकट जो एक था वो बहुत ज़्यादा शॉर्टकट ले रखा है लोगों ने, लगे पड़े सब। और ये बच्ची से लेकर सब पिट्टू सब चल रहे हैं यहाँ पर। प्राइस मैं आप लोगों को ऊपर जाकर बता दूंगा, जब नीचे कोई बता नहीं रहे तो ऊपर बताऊंगा आप लोगों को। चलते हैं हम भी आगे को, फिलहाल तो मैं शेड में खड़ा हूँ, चलो आगे। तो अभी तो चढ़ाई चढ़ते चढ़ते हम आ गए हैं काफ़ी ऊपर फिलहाल तो। और यार मुझे सबसे ज़्यादा सीनरी पता क्या पसंद आ रही है, बर्फ़ वाले पहाड़, ये सबसे में बहुत ही सही लग रहे हैं और देख के तो अलग ही मज़ा आ रहा है, सही बता रहा हूँ। और चढ़ाई ना कुछ ज़्यादा होगी, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, सच्ची बताऊँ जो इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, आए खराब हो गई है बट चल रहे चल रहे। और जैसे जैसे हम चल रहे वैसे वैसे रास्ता बढ़ रहा है, रास्ता बढ़ रहा है, हम चल रहे तो अब देखते हैं कितनी दूर और चलना हमने। फिलहाल तो क्राउड भी आ गया थोड़ा थोड़ा, कच्चे वाला भी आ गया, नॉर्मल लोग वाला भी क्राउड आ गया। और भाई लोग पहले बता दूँ, जो बंदे आते हैं प्रिपेयर होकर आओ, प्रिपेयर होकर नहीं आए हो प्रोटीन बार और ग्लूकोन डी और कुछ कुछ चीज़ें जिससे एनर्जी मिले वो सब लेकर आओ। फालतू फैट वैट और इन सब चीज़ों का मत सोचो कि कैलोरीज बढ़ जाएगी, मत सोचो, जितनी तुम यहाँ बर्न करोगे उससे ज़्यादा क्या इनटेक कर लोगे, ज़िंदा रहोगे तो कैलोरीज भी काम आएगी बॉडी भी काम आएगी। तो ये सब चीज़ें लो, खाओ पियो मत और आराम से ऐसे चलते चलते पूरे यात्रा हो जाएगी कम्प्लीट। और जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता रहेगा, और 4.5 किलोमीटर से रह गया अभी केदारनाथ, मुझे एक माइलस्टोन दिखा था तो बस यही। और यह ऐसे खच्चे भर भर के जाते हैं यहाँ से, सामान ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर होता है बेचारा। और ये हेलीकॉप्टर की आवाज़ आएगी देखा, और ये हेलीकॉप्टर ऐसे उड़ते जाते हैं बट टिकटें ख़त्म हो गई है, ये सामान नहीं आ रहा कैसी ने, ठीक है होगा कुछ, यही चल रहे हम भी चल रहे, देखते हैं आगे का रुकता हूँ कुछ कुछ खाने पीने के लिए या फिर किसी चीज़ के रुकूँगा तो बताऊँगा आपको दिखाऊँगा। फिलहाल तो व्यू इन्जॉय करो, देखो मज़ेदार व्यू है और बढ़िया है, थकान तो हो रही है, झूठिया वरू हो रही है। हम छानी कैंप पहुँच चुके हैं, जैसा आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो, हम फाइनली इतने ट्रैवल करने के बाद एक माइलस्टोन हमने और कंप्लीट कर लिया छानी कैंप का। और थक गए यार काफ़ी ज़्यादा, इतना सोचा नहीं था बट है चढ़ाई थोड़ी डिफिकल्ट भी है बट सही है यार, इतना तो बनता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रखे हैं और लोग खच्चर बग्गी घोड़ा पिट्ठू सब लेकर आ रहे हैं, पर तुम्हारा भाई अकेला, फिलहाल तो ग्रुप के साथ बट अकेला चढ़ाई यात्रा करने के मूड में पैदल ही हो जाए
तो बाबा आशीर्वाद बनाना, जितनी मेहनत कर रहा हूँ सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। सिर्फ आशीर्वाद मुझे नहीं, आप सबको भी मिलेगा। जो जो वीडियो देख रहे हैं सबको मिलेगा, सब्सक्राइब कर रहे हैं डबल मिलेगा। थक गया मैं, बट तब भी यार बहुत बढ़िया हालत है। ये देखो यार हेलीकॉप्टर तो बहुत जा रहे हैं, बाकी कितने मिलने नहीं मिलने वाली बात ऊपर जाके पता चली है। तो हवा ठंडी चल रही है, थोड़ी जान आ गई, हवा ठंडी पानी ऐसी होगी, ठंडी हवा लगती जान आ जाती चलने की। और ये देखो पेश कर तो चलते हैं यार आगे और चढ़ाई शुरुआत करते हैं से। लेट्स कंटिन्यू द यात्रा विथ वॉक एंड रिकॉर्ड एंड द डॉग। तो चले जा रहे हैं, थोड़ी सी हवा लग जाए, थोड़ा सा रुक जाओ ना, अलग ताकत मिलती चढ़ने की। और जैसे सब लगे पड़े चढ़ाई में, हम भी लगे पड़े चढ़ाई में, तो बढ़िया यार। और यार मज़ा आ रहा है सच्ची बताओ, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ हवा लगे ठंडी ठंडी, तो बढ़िया। सनस्क्रीन ले आना, काले हो जाओगे या फिर जल जाओगे चेहरे धूप से। बहन के पास था, मैंने सनस्क्रीन लगाया, एट लाइक चेहरा जल सा रहा था, क्योंकि चेहरा बहुत जल गया था जब सनस्क्रीन लगाई, तो उसने रिकवर किया। जला तो बहुत कसके था बट तब भी मज़ा बहुत आया, बट सही है। और देखते हैं हम कितनी चढ़ाई करते हैं, अगर कोई दिखता है तो ठीक है, अदरवाइज सीधा हम भी निकलते हैं। जय भोले, चलो। और मैं कोशिश कर रहा हूँ यार, जितना ज़्यादा हम चढ़ जाए ना चढ़ जाएंगे, ज़्यादा रुकोगे ठीक है एनर्जी बन जाएगी बढ़िया, बट चलते रहो उतना बढ़िया। हाँ भाई जी बढ़िया, सब लगे हैं यार धीरे धीरे सांस वांस थोड़ी अपनी बनाकर। बहुत सारे लोग खच्चर से भी जा रहे हैं, पिट्ठू से भी जा रहे हैं, घोड़े से भी जा रहे हैं, और हल्की हल्की दिक्कत है बट ठीक है यार। थोड़ी ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है, इतनी मैंने सोची नहीं थी है तो, बट बढ़िया यार। हाथ भी थक गया मेरा, मैं ये पकड़े पकड़े स्टिक, इस हाथ की हालत देख रहे हो, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सपोर्ट का बनता है। घर वाले भी नहीं दिख रहे कहाँ हैं, मैं ग्रुप वाले दिख रहे हैं। लेट्स सी, आ जाओ जल्दी, अच्छी बात है, बढ़िया। कहाँ से हैं भैया आप? उत्तर प्रदेश से। और आपका नाम बताइए जी, आप भी आ जाओ भैया, ऐसे क्या शर्मा। शैलन कुमार मिश्रा। शैलन कुमार मिश्रा, अभी आपका दिल्ली से हो? दिल्ली में कहाँ से? अरे यार बढ़िया यार, दिल्ली से हम भी 3:30 बजे के चले हैं। सेम हम भी चले हैं, बहुत परेशान हो गए लेकिन आप पर मज़ा बहुत आ रहा है, ये चीज़ बहुत मज़ा आ गया, बाबा ने बुलाया है और दर्शन करके तो बिल्कुल मज़ा आएगा ही आएगा। और चलिए चढ़ाई करते रहिए और चलते रहिए, मिलते रहेंगे। मेरा नाम है काश सूर्यवंशी। अच्छा, आकाश कुशवाहा है। हाँ यूट्यूब पे मेरा, तो ऐसे ही मिलते जाते हैं लोग यार, सपोर्ट करते रहेंगे, आप लोग भी कर दो जो जो लोग भी। तो यार चलता हूँ फिर आगे, हम भी चले करते थोड़ी। और चलो एक घर वाला दिख गया था रेस्ट करने के बाद, अभी बढ़िया है। जय भोले। मैं राड़ी में लगी तेरी मेरी पर पड़ेगी, भोले लिखी पहला की तू भोला पर्वत का, मैं राड़ी में लगी तेरी मेरी पर पड़ेगी, भोले लिखी। पास आ चुके हैं बाबा के, तो अभी हमारा जो है केदारनाथ है 1.5 किलोमीटर, और हेलीपैड है 0.1 किलोमीटर, और यहाँ पर हॉस्पिटल्स जो है वो है 5 किलोमीटर। तो अगर किसी को थोड़ा सा भी हेल्थ इशू आ रहा है तो अगर चेक करवाना चाहते हैं तो वहाँ जाकर चेक करवा सकते हैं। काफ़ी पास आ चुके हैं यार।
मेरी जिंदगी है तेरी गेड़ में भोले मन में कुछ नहीं होएगा जाओ तने घर छोड़ के भोले देख ले फिर तू रोएगा हट छोड़ दे ने भोले अपना ले कदे तने न सताऊंगी इसे तो कोई मतलब नहीं सब छोड़ के ले तेरी आऊंगी परिवार तो बन जाएगा भोले साथ निभा फाइनली हम पहुँचे बेस कैंप। अब यहाँ से केदारनाथ हम बिल्कुल पहुँच चुके हैं फाइनली। यार पैर थकान हो गई थी, थकान वो भी उड़ गई मेरी, क्योंकि अब सीधा हम करेंगे थोड़ा कुछ खा पी कर पहले तो दर्शन। और यार फाइनली इतनी लंबी चढ़ाई के बाद दर्शन करेंगे हम, और हो सके तो आपको भी करवाने की पूरी कोशिश करूँगा मैं। और सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ वो चीज़ है भीमशिला देखने के लिए। पहले केदारनाथ बाबा है, उसके बाद भीमशिला, तो यार बहुत ही सही है। चलो चलते रहते हैं और आपको दिखाते रहते हैं रास्ता है कैसा यहाँ से वहाँ तक का। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग पहुँच चुके हैं ताल के पास। देखो यार कितना सही है। और इस चढ़ाई में सबसे पहले पहुंचने वाले लोग हैं महादेव। हम लोग भाई बहन की जोड़ी पहुंच गई सबसे पहले। बढ़िया यार, लगा नहीं था पहुंच जाएंगे, बट सही यार इजीली मिल गया। और अभी हल्की हल्की छींटे पड़ने लगे हैं, बारिश ना हो तो अच्छा है यार सीरियसली, तो ये अच्छी बात नहीं है। कह रहे हैं 2 बजे की प्रेडिक्शन थी बारिश होने की, बट ना हो तो अच्छा ही है। प्रेडिक्शन बहुत जगह गलत हो सकती है, तो यहाँ भी हो जाए एक दो मिनट के तो चलता है यार इतना तो। और ये रहा ताल, जैसा आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं कितना सही लग रहा है, और पीछे बहन आ रही है धीरे धीरे। बढ़िया यार, सब बढ़िया है यहाँ पर। बस जो 5 किलोमीटर ये जो है ये चढ़ाई है जो उसमें लग जाती है मेन ताकत, सारी ताकत से लेकर मेंटली फिज़िकली सारी ताकत लग जाती है उतनी, तो बस वही है थोड़ा सा। अगर कर लेते हो तो बहुत बढ़िया बात है यार, आराम से पहुंच जाओगे, या फिर धीरे 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 करके पहुंचो तो बढ़िया रहेगा। जैसे हम लोग थोड़े थोड़े ब्रेक लेके पहुंचे हैं आराम आराम से कुछ खाते खाते। बढ़िया यार, हमने ली थी फिलहाल छाछ ली हमने, मस्त थी वो भी, तो छाछ पी लो माजा पी लो। इतनी सारी ड्रिंक्स आती हैं, महंगी मिलेंगी यहाँ पर ऑफकोर्स, 15-20 रुपये वाली चीज़ आपको यहाँ पर 40 रुपये की मिलेगी, बट ये कह सकता हूँ मैं चीज़ वर्टेड है, पियोगे थोड़ा सही लगेगा, ताकत भी आएगी, और दूसरा भाई ज़रूरत है बॉडी को फालतू एग्जॉस्ट करोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि ओ भाई पहुंच गया यार, थोड़ा तो आपको बॉडी को अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा। जब बॉडी को अच्छे से ट्रीट करोगे तभी यहाँ तक पहुंचने वाली है, आपकी बॉडी कहेगी कि हाँ चलो यार मैं चल सकती हूँ इतना। तो बाकी आप मेरे पीछे देख सकते हो बस हम पहुँच ही गए हैं, ज़रा सा रह गए। और इस टाइम हो गया है, टाइम कितना चल रहा है, इस टाइम हो रहा है हमारा 2:11 हो गए, रात को 3 बजे से चले हुए हम, 2:11 हो गए, काफ़ी टाइम लग गया, बट तब भी उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी टाइम के हिसाब से हम पहुंच गए। सही है यार, ऐसे धीरे 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 हम पहुंचे, चलते रहे, बस बाबा कृपा बनाए रखे हम पे, और बारिश ना हो तो अच्छी बात है यार सीरियसली। अब आपको दिखाते हैं, तो हम आ चुके हैं, ये देखो यहाँ लिखा है गढ़वाल मंडल विकास नगर निगम श्री केदारनाथ धाम में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम आ गए केदारनाथ फाइनली। तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की प्यार तेरे ते बार बार दोहराऊं, मेरा है तू भोले मैं जहर भी पी लूंगी, तेरी खातर भोले मैं सब हंस हंस सह लूंगी। मेरी जिंदगी है तेरी गेड़ में भोले मन में कुछ नहीं होएगा
जाओ तने घर छोड़ के भोले देख ले फिर तू रोवेगा हट छोड़ देने भोले अपना ले कदे तने नसताऊंगी इसे ते कोई मतलब नहीं सब छोड़ के ले तेरी आऊंगी परिवार ते बन जागा भोले साथ निभा दे तू तेरा जो भी भा जागा मन ने मत हाथ छुड़ावे तू भोला पर्वत का अगर आप लोगों को मेरी वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सपोर्ट